दिल्ली, बट आराम से सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं टफ मुकाबले होते हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, एक फैंस में डर भी रहेगा उस चीज का। वो तो हर मैच में रहने वाला है डर, और सेमीफाइनल एज ए नॉकआउट गेम रहता है, तो नॉकआउट में तो डर तो हमेशा रहेगा ही, बट जिस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस चल रहा है उस हिसाब से लगेगा नहीं कि इतना डर रहेगा, कॉन्फिडेंस काफी है सब प्लेयर्स में भी। बॉलिंग लाइनअप की बात करें या बैटिंग लाइनअप, दोनों अभी परफेक्ट चल रही इंडिया के हिसाब से, आगे जो है किस तरह से और ध्यान रखने की जरूरत है इन चीजों के लिए, अब टफ मुकाबले अब यहां से आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ध्यान तो उनको पता ही है कैसे रखना है, हम क्या ही बोलेंगे उससे। रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेशंस थी आज, होम ग्राउंड बट श्रेयस अय्यर का भी होम ग्राउंड ही है। श्रेयस अय्यर पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, बट आज जो है वो आज हाँ उन्होंने दिखा दिया। हाँ, अभी तो अच्छा ही था उनका, तो एंटरटेनिंग ही था पूरा, फैंस के लिए तो अच्छा ही था पूरा। फास्टेस्ट लाइनअप अभी किस तरह से आप देख रहे हैं, बुमराह, शमी, सिराज, और तीनों की आप अगर कुछ कहना चाहेंगे कि तीनों की आपको, तीनों का एकदम बढ़िया चल रहा है सब, कुछ चेंज में चेंज करने की जरूरत नहीं है ऐसा लगता है। एक एडिशनली किसी दिन बॉलर चला नहीं तो एक सिक्स बॉलर के रूप में वो काम में आते हैं बहुत, तो कार्तिक, राहुल। राहुल, आज जो है फीलिंग्स अलग ही है भारतीयों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? Yes. किस तरह से आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर सिराज कि वो फॉर्म में नहीं थे, वो भी फॉर्म में आ गए। श्रेयस का भी जो फॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे कि डाउट है, वो भी है। अनफॉर्चुनेटली तीनों का सेंचुरी हो जाना चाहिए था आज, बट एक अलग ही लेवल पे चल रहा है इंडिया का टीम अभी, तो यही है कि अभी कुछ अपसेट ना हो सेमीफाइनल भी। ऐसे स्मूथली 11 मैच है, 11 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, 11 के 11 जीत के वर्ल्ड कप लेके आना चाहिए, ऐसा ही अभी फील हो रहा है। पिछले मैच में बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई थी, बॉलिंग काफी अच्छी थी, इस बार भी कंटिन्यू बॉलिंग लाइनअप काफी अच्छी हुई है, तो तीनों फास्ट बॉलर्स को आप किस तरह से देखते हैं और उनकी लाइनअप अभी जो मैच कर रही है इंडिया के लिए? हमारे स्विमर्स तो एकदम टॉप क्लास चल रहे हैं, रैंकिंग में भी आ रहे हैं, और हमारा रोहित भी है वो बॉलर्स कैप्टन है, वो अच्छे से रोटेशन करता है, जो मैक्सिमम आउटपुट लेके आता है सिमर्स का। और शाफी का जो अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं ले रहे थे, उसने प्रूव कर दिया, 3 मैचेस में इतना सारा विकेट लेके गया, अभी और 5 भी ले सकता है वो, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बॉलर ही वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, ये वो प्रूव कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैच खत्म हो गया, एक्सपेक्टेशंस भी फैंस की, ठीक है नो मैटर, चलेगा ऐसा, सेमीफाइनल फाइनल खत्म होगा तो भी चलेगा हमें, नो मैटर, सिर्फ वर्ल्ड कप लेके आओ ऐसा है। लेकिन आगे अब टफ मुकाबले होने वाले हैं। यस डेफिनेटली अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो फॉर्म में आया है वो हमें टफ दे सकता है, बट डेफिनेटली हम ऐसा ही परफॉर्म करते रहेंगे, हमारा बॉलर्स अगर ऐसा परफॉर्म करेंगे ना, स्पिनिंग ट्रैक में भी स्पिनर चल रहे हैं, सीमर्स में आज तो पूरा सीम ही चला, तो बहुत सही चलेगा, तो है, खुश है। राहुल खैरना किया और बॉलिंग तो उससे भी अच्छा एंजॉय किया, ठीक है मैच कट टू कट इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन मजा आया सब पूरा मैच। आज की बात करें तो काफी अटैकिंग बॉलिंग आज रही है, मोहम्मद शमी द्वारा भी रही है, एक्सपेक्टेड किया था कि इतने जल्दी खत्म हो जाएगा मैच? नहीं, बॉलिंग मतलब अच्छी होगी ये तो एक्सपेक्ट किया ही था, लेकिन इतना जल्दी मैच खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अच्छा कॉम्पिटिशन देगी श्रीलंका ऐसा थोड़ा लगा था, लेकिन बहुत ही जल्दी मैच खत्म हो गया है। ऐतिहासिक ग्राउंड में आज मैच खेला गया, 2011 का वर्ल्ड कप। यस उसके बाद आज फिर से श्रीलंका को हराया, काफी खुशी होगी फैंस के अंदर। बैटिंग लाइनअप किस तरह से आपको आती है? ऑब्वियसली और अभी का जो टीम है वो परफेक्ट है वर्ल्ड कप के हिसाब से, कि हमारे पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन है एंड बॉलर्स भी स्पेशलिस्ट, 5 बॉलर्स है, हार्दिक पांड्या आने के बाद और वो डेप्थ बढ़ेगी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टीम बहुत ही बैलेंस्ड है और सब अच्छा खेल रहे हैं। आज तो आज का स्पेशली बैटिंग सब लोग नहीं खेला, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, शुभमन गिल सब लोग खेल रहे थे, एंड में रविंद्र जडेजा भी आके खेल के गए, और रोहित शर्मा तो मतलब फॉर्म में है ही, आज नहीं खेल पाए लेकिन तो फॉर्म में है ही। मेरा नाम दिग्विजय। अनिरुद्ध, आई थिंक इट वॉज अ मतलब एक वन साइडेड मैच हो गया टोटली, राइट, क्योंकि 15 लास्ट एशिया कप के फाइनल में उन्होंने 15 ओवर ही खेले और अभी शायद 15 ओवर ही खेल पा रहे हैं। आई थिंक इंडियन बोलिंग अटैक इज जस्ट टू गुड, अब देखते हैं साउथ अफ्रीका के सामने कैसे खेलेंगे। बट काफी अभी यहां से टफ मुकाबले हो जाएंगे, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका की आपने बात की जी, बट टीम इंडिया का जो है पिछले का हम देखें टाइम टेबल तो सेमीफाइनल में हार जाती है आगे। डेफिनेटली आई थिंक टीम में अच्छा बैलेंस बन गया है, स्पेशली हार्दिक पांड्या जो इंजर्ड हुए उसके बाद, आई थिंक जो सूर्य कुमार यादव और शामी को लेकर आए तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं टीम के अंदर, टीम लुक्स वेरी बैलेंस्ड एंड देखते हैं एनीबॉडी कैन विन इन अ नॉकआउट फेज। श्रेयस अय्यर पे सवाल उठे थे कि बैटिंग नहीं हो रही अच्छी,
आज आपने देखा किस तरीके से एकदम जोश में उतरे थे वो, एंड देव डन रियली वेल विथ एंड इज डन रियली वेल टुडे 82 of 56 एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई थिंक होपफुली नेक्स्ट मैच में ये कॉन्फिडेंस लेके जाए एंड कंटिन्यूज बीइंग अ ग्रेट नंबर 4 फॉर अस. इस ग्राउंड में केवल अगर आप ग्राउंड में कोई भी नहीं होगा ना तो इसमें फिर भी सचिन सचिन सुनाई देता है, तो ये सचिन का ही ग्राउंड है और हमेशा सचिन का ही ग्राउंड रहेगा. थैंक यू.